आप सबका बॉम्बी ड्रीम्स में स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह चाय भाई पी लिया और अभी नाश्ता बन रहा है मेरा। और नाश्ते में बनेगा क्या? आलू का पराठा। आज बनाऊंगी आलू का पराठा। तो एक बार आलू के पराठे के साथ मेरे चैनल में आपका सबका स्वागत है। सुबह सुबह, और कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे मेरे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। अभी बच्चों का नाश्ता बन रहा है। सुबह का जल्दी है बोल के मैं दो दो करके बना रही हूँ एक साथ। आप लोगों के साथ बात ही नहीं किया एकदम अभी से, मतलब काम था, काम वाम किया, पूजा किया, नहा लिया और अभी थोड़ा चाय पीऊंगी। और कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आशा करती हूँ मेरे सब फैंस अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलो देखो आज का ब्लॉग मेरे साथ। तो मैं अभी चाय पीऊंगी, चाय फर्स्ट। नाश्ता हो गया, अभी चाय पीना है मुझे थोड़ा सा, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और इसमें दूध है थोड़ा सा है, इसी में मैं आज चाय बना लेंगे फटाफट, क्योंकि इसको भी धोना है। एक बर्तन कम कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं इसमें थोड़ा सा चाय बना के पी लूँ। चाय किसको किसको पीना है? चाय आ जाओ मेरे साथ, चाय पियो। अभी पूजा करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता तो हो गया, फिर मुझे ना थोड़ा चाय पीने का मन होता है, तो अभी मैं ये चाय लेके बैठी, चाय पीऊँगी, उसके बाद खाना। खाना में आज एक हफ्ता से डिमांड है, मैं नहीं बना रही हूँ, डेली बोल रहे हैं मेरा वाला खाना बनाओ। मतलब एक बिरयानी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। वो चिकन और मछली नहीं खाती तो ये ज़्यादा पसंद करती है। तो आज बनाऊंगी मैं एक बिरयानी, दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं चाय पी लूँ थोड़ा सा, उसके बाद किचन में जाऊंगी। कढ़ाई चला दिया, आ गई मैं एक बिरयानी बनाने। तो चलो एक बिरयानी शुरू किया जाए। पहले तो इसमें है ऑनियन कट किया और आलू। बंगाली बिरयानी मीन्स आलू, आलू तो चाहिए ही चाहिए। इसमें अदरक लहसुन और टमाटर पेस्ट। इसमें है एक बॉयल की करके रखी हूँ। अभी फर्स्ट मैं इसमें ऑयल डालेंगे। ये थोड़ा मेरा मोटा कढ़ाई है ना, इसको थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है। अभी मैं एक एक करके अंडा लेंगे। थोड़ा सा हल्दी देना था, पहले ही देना था।
इसी में मैं आलू भी फ्राई कर लूंगी। एकदम लाल लाल करके फ्राई करेंगे। देखिए देखें, हाँ आलू अच्छा से फ्राई हो गया लाल लाल करके एकदम। अभी इसमें आलू को उठाऊंगी नहीं, इसके साथ ही बना लूंगी मैं। इसमें डालूंगी मैं कुछ दो तेजपत्ता। तेजपत्ता जब थोड़ा सा फ्राई होगा तो ये कट किया हुआ ऑनियन, अभी ऑनियन को मुझे फ्राई करना है। ऑनियन फ्राई हो गया एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी मैं इसमें हाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च टमाटर पेस्ट इसको पूरा डाल के पकाएंगे। मसाला भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया और इसमें हल्दी जीरा धनिया और सूखी लाल मिर्च का एक मैं पेस्ट बना लिया। पेस्ट नहीं, सूखा को डाल के पानी डाल के एक घोल बनाया, इसको मैं पूरा ही डाल देंगे। फिर अच्छे से धीरे धीरे पकाएंगे जब तक ना आलू बॉईल हो जाए। इसी के साथ मैं नमक भी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाला को ढक के। एक बार आप लोग ऊपर से देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्राई करती हूँ जब तक ना आलू सॉफ्ट हो जाए। तब तक मैं ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा मसाला भी इसमें फ्राई हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अभी ढक के मैं पकाऊंगी 10 मिनट तक स्लो गैस पे। ढक्कन खोल के मैं एक बार देखूँ, हाँ ऑयल साइड से छोड़ने लगा और लगभग आलू भी मेरा बॉईल हो गया अच्छे से। अभी मैं अंडा जो फ्राई करके रखी थी वो अंडा डाल देंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे 2-3 मिनट। अभी हो गया, अंडा के साथ थोड़ी देर पकाया। अभी मैं जो बिरयानी मसाला है उसको डाल दूंगी पूरा अच्छे से। गैस को सीम पे रख के अभी मैं ऊपर से राइस डालूंगी। और पहले मैं राइस बना के रख दिया था, ये बासमती राइस है। ऊपर से मैं स्वाद अनुसार घी डालूंगी, इसी में आपका और भी बिरयानी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा डालती हूँ ऊपर से, आप चाहे तो पूरा घी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं पूरा घी में नहीं बनाती। अभी इसको मैं दम रख करने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट। ये मेरा मोटा है बोल के मैं पहले भी बोल दिया, ये कढ़ाई मेरा मोटा है तो मैं इसी में दम लगा देती हूँ। अभी बंद, 10 मिनट तक अभी बनेगा। चाय पीना हो गया, चाय बहुत अच्छा बना था। अभी शाम को एक सिंपल नाश्ता कुछ नहीं, पापड़ का रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद मैं
प्याज और टमाटर और खीरा को अच्छे से काट लिया, फिर एक साथ मिक्स करके पापड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऊपर से देंगे, अच्छे से पूरा अच्छे से मिला, मतलब ऊपर ऊपर से दे देंगे ब्लैक सॉल्ट। और इसमें मैं डालूँगी इमली का चटनी जो मैं पहले बना के रखी थी, है मेरे पास, मैं बना के रखती हूँ, वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो ये एकदम सिंपल एक छोटा सा स्नैक्स है, बहुत अच्छा लगता है शाम को चाय के साथ। और जो मज़ेदार चीज़ है वो है ये सेव भुजिया, जो ऊपर से मैं अभी इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें आलू बॉईल करके भी डाल सकते हो। तो हो गया मेरा एक सिंपल सा चाट। ये देखिए मैं पूरा अच्छे से किचन साफ कर लिया, एकदम रात को भी मैं पूरा क्लीन करके ही रखना भी चाहिए, अच्छा होता है। मैं पूरा एकदम नीट करके रख के बर्तन भी धो के पूरा अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मैं मतलब ऐसे करके रखूँ। तो हो गया पूरा कंप्लीट। और आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो भर भर के लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, पक्का सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छे से रहना और हंसते हंसते रहना। बाय।